नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिशोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति राज्य में 2500 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं को दी मंजूरी। ईटानगर नाहरलगन के बीच प्रयोग के तौर पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पापुमपारे जिले के जोते में नवनिर्मित जारबोम गामलिन राजकीय लॉ कॉलेज का किया उद्घाटन। सांग दुपोता अंचल के बासार नैलो में राजकीय अस्पताल का शिलान्यास। अमेरिका भारत कार्यनीति साझेदारी फोरम के सदस्यों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। कारोबार आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी, श्रम सुधार और भारतीय युवाओं की उद्यमिता जोखिम क्षमता बढ़ाने जैसे सरकार के उपायों पर की गई चर्चा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुनियादी सुविधाओं पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति सीसीआई ने राज्य में 2500 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें से राजधानी क्षेत्र प्रदेश के सभी एडीसी, एसडीओ और जिला मुख्यालयों में आगामी 3 वर्षों में सड़कों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। सीसीआई ने ईटानगर जोते मार्ग को स्टेट हाईवे में विकसित करने का निर्णय लिया है। समिति ने कीवी, सेब, बड़ी इलायची सहित विभिन्न बागवानी परियोजनाओं के लिए आवंटन को 30 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया है। मुख्य रूप से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभ दिया जाएगा। सीसीआई ने नामसाई, पासीघाट और पुंग के कोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट को कार्यरत बनाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा एनटीपीसी के साथ मिलकर ईटानगर और नाहरलगन के बीच प्रयोग के तौर पर 10 इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्रस्ताव है। सीसीआई ने राजधानी क्षेत्र ट्रैफिक सेल के लिए डीएसपी का पद सृजित करने को मंजूरी दी है। सभी जिलों में जिला सचिवालय परिसर और राजधानी में संयुक्त निदेशालय परिसर बनाने को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने सभी नगरीय क्षेत्र में LED स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग के जिला मुख्यालय में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। PTC बंदरदेवा को विकसित करने, दापोरिजो में सुबनसरी नदी, रागा में कामले नदी और ताली में कुमे नदी पर क्षतिग्रस्त बेली ब्रिज के निर्माण को मंजूर किया गया है। सीसीआई ने राज्य के 2700 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय के निर्माण, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में जल आपूर्ति, चिंपू, देरांग, बोमडिला और पालिन में स्टेडियम के निर्माण में तेजी लाने, गोहपुर, चिंपू और नीति विहार में नए पुलिस स्टेशन को अधिसूचित करने को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज पापुमपारे जिले के जोते में नवनिर्मित जारबोम गामलिन राजकीय लॉ कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना, शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और स्थानीय विधायक तानाहाली तारा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राजकीय लॉ कॉलेज के शुरू होने से अब प्रदेश के युवाओं को LLB की पढ़ाई के लिए देश के अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सांगदुपोता अंचल के बासा नैलो में 30 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल की आधारशिला भी रखी। मेरा कल जो यहाँ पे मीटिंग हुआ है CCI मीटिंग में, तो इस रोड के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया है। और लास्ट ईयर भी इस रोड का मेंटेनेंस के लिए शायद सरकार की ओर से कुछ अच्छा खासा पैसा तो दिया था, तो मगर ये मेंटेनेंस से ये काम जो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जो स्टेट इम्पोर्टेंस जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे NIT है, आज लॉ कॉलेज का उद्घाटन भी हो गया और हमारे इस तरह फिल्म इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर बनने अभी जाएगा, तो ये रोड जो है बहुत बड़ा मेजर फैक्टर एक रोल प्ले किया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो एक्जिस्टिंग रोड है वो सिंगल लेन, तो मैंने अभी आज मैं पब्लिक मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, तो पब्लिक लोगों का बीच में भी ये मेरा अपना बात को रखेंगे। अगर यहाँ का पब्लिक चाहेंगे कि अगर यहाँ पे डबल लेन आए, डबल लेन अगर रोड चाहिए, तो लैंड कंपनसेशन वो लोग क्लेम नहीं करता है। लैंड कंपनसेशन अगर वो लोग क्लेम नहीं करता है, तो मैंने ऑलरेडी फंड मेरा पास में रखा हुआ है, हम इसी साल हम प्रोजेक्ट को हम सेक्शन करने के लिए भी फंड मेरे पास अवेलेबल है। सॉरी, निको वाला प्रोजेक्ट है और कमिंग वाला, वहाँ पे हमें जो रिपोर्ट आया, कुछ लोगों ने वहाँ पे थोड़ा धरना वगैरह किया है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जाके बात किया है, तो फाइनली वहाँ के जो लोकल लोग
निपको के सीएमडी को मिलना चाह रहा है और आई थिंक निपको का सीएमडी ने उन लोगों को ये 30 अक्टूबर को बुलाया है, मीटिंग टाइप हो गया। अमेरिका भारत कार्यनीति साझेदारी फोरम के सदस्यों ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 3D डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और दिमाग भारत की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और बौद्धिक क्षमता को देश की सशक्त पूंजी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है। श्री मोदी ने कारोबार आसान बनाने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कमी, श्रम सुधार और भारतीय युवाओं की उद्यमिता जोखिम क्षमता बढ़ाने जैसे सरकार के उपायों की चर्चा की। फोरम के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के अगले 5 वर्ष विश्व के अगले 25 वर्षों का निर्धारण करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका भारत कार्यनीति साझेदारी फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस समय भारत और अमेरिका के संबंध अब तक के सर्वोत्तम स्तर पर है और इसे और भी मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय समझौते जैसे बड़े उपायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अमरीकी कंपनियों के लिए आकर्षक बाजार उपलब्ध करा सकते हैं और अमरीकी कंपनियां भारत के कुशल श्रम का लाभ उठा सकती है। His own feeling that he is not very good to people. He often tells me that, you know, I'm very mean in my negotiations. He'll prefer not to meet me. But when I met him and every time that I've talked to him, I found him to be a wonderful person. Every negotiator, every trade negotiator has to protect his interests, his country's interests, his own trade imperatives, and I think he's doing a fabulous job for his country. And that's what I'm... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना पर गर्व करते हुए कहा है कि भारत का समुद्री इलाका नौसेना के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। आज दिल्ली में नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री ने मीडिया से ये बात कही। साथ ही राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि भारतीय नौसेना अपने साजो सामान में स्वदेशीकरण की ओर काफी तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के एक मंत्री द्वारा भारत के खिलाफ परमाणु हथियार की धमकी दिए जाने पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के खिलाफ बुरी नजरों से देखने वाले को सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और हमारी इंडियन नेवी का भी यह संकल्प है कि किसी भी सूरत में 26/11 इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए या किसी भी सूरत में न दोहराया जा सके, एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की है। और आज मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन की तरफ भी हमारी इंडियन नेवी तेजी से बढ़ रही है और हमारी जो शिप्स हैं उसमें एक हाई परसेंटेज उन्होंने इंडिजिनस आइटम्स लगाने में भी अब काफी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की कानूनी सलाहकार श्रीमती कारुम चौतन ने राज्य सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की मांग की है। कल पासीघाट कानूनी जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच विवाद के अनेक मामले में मैरिज रजिस्ट्रेशन न होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार से महिलाओं के लिए नौकरियों, पंचायत, नगर पालिका और विधानसभा में सीटें आरक्षित करने की मांग की। डॉक्टर भूमि सिंह, SP पासीघाट, राजीव रंजन सिंह, ABC। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्यों जरूरी है मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, क्यों जरूरी है। फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट रीजन टू रजिस्टर योर मैरिज इज टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। क्या होता है, हम सबको पता है चाइल्ड मैरिज अभी आजकल हमारे सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज बहुत कम हो गया है और वो खत्म नहीं हुआ है। ये एक काइंड ऑफ एक श्राप है हमारे सोसाइटी के लिए जो खत्म नहीं हुआ है। तो ये जब अगर हम रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे प्रिवेंशन चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रिवेंट होगा। वो कैसे प्रिवेंट होगा, क्योंकि जब आप रजिस्टर करने जाएंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ तो प्रूफ देना होता है, तो उसमें पता चलेगा कि हाँ आप मेजर है या नहीं है। अगर आप मेजर ही नहीं है तो आपका मैरिज रजिस्टर नहीं होगा, विच मींस योर मैरिज इज इलीगल, तो आपका शादी नहीं होगा, तो दैट वे चाइल्ड मैरिज अवॉइड होगा। दूसरा, केंद्र सरकार ने सियाचिन क्षेत्र को अब पर्यटकों के लिए खोलने का
ऐलान कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सियाचिन बेस कैंप से लेकर कुमार पोस्ट तक पूरे इलाके को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग देख सके कि सेना के जवान और इंजीनियर काफी प्रतिकूल मौसम और विषम क्षेत्र में किस तरह काम करते हैं। श्री सिंह चीन से लगती भारत की सीमा से लगभग 45 किलोमीटर दूर श्योक नदी पर कर्नल चेवांग रिनचिन पुल के उद्घाटन अवसर पर पूर्वी लद्दाख में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। देश के लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वे खान पान के प्रति सचेत हो रहे हैं। इसके मद्देनजर और जैविक खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बासार के वैज्ञानिक किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हम लोग का यहाँ अरुणाचल में भी काफी हम लोग का ऐसा चीज है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए पूरा वातावरण अच्छा है और इसका जो कृषक बंधु है यहाँ का जो अरुणाचल का जो कृषक बंधु है लोकल जो अवेलेबल जो सीस है उससे भी हम लोग का वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। केचुआ दो प्रकार का होता है वैज्ञानिक पद्धति में। एक है गहरा बोरिंग करने वाला, मैंने गहरा अंदर में जाने वाला, एक ऊपर में जाने वाला। कम बोरिंग जो केचुआ होता है उसको ही वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज किया जाता है। हर केचुआ को वर्मी कंपोस्ट के लिए यूज़ किया नहीं जाता है। फर्स्ट इसे हम यह हमें शुरू करने के लिए हमको जबरा चाहिए और लेकिन जबरा भी 5-6 दिन का डिकम्पोस्ट कंपोस्ट होना पड़ेगा। जैसे हम फील्ड से जबरा डायरेक्ट काट दिया, हम फेंक दिया, रॉ मटेरियल फेंकने से ये वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग नहीं है। जैसे एसिडिक हो गया, जैसे ऑरेंज है अरुणाचल में सारा ऑरेंज का पत्ता या एसिडिक कोई पत्ता हम यहाँ में डाल दिया केचुआ के लिए अच्छा नहीं है। पहले घास को हम लोग काट के फील्ड से लाते हैं या इसे जो वीट है अनवांटेड फील्ड से जो वीट है उसको हम लोग ला के इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके उसको 5-6 दिन तक सुखा के रखते हैं या चरने देते हैं। चरने के बाद जो वेल रोटेन जो गोबर है, मतलब जो चरने वाला 5-6 दिन का ऐसे चरने वाला गोबर को हम लोग लेके पहले शुरू करने के लिए नीचे में फर्स्ट जैसे वो HDPE है उसका नीचे में 15 cm तक एक मिट्टी का काला मिट्टी जो कृषि में जो रहता है काला मिट्टी हम लोग 15 cm तक नीचे में मिट्टी रखना पड़ेगा। जैसे ये हम लोग का 2 मीटर है, 2 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर्स, इसमें हम लोग को 300 ग्राम्स केचुआ चाहिए। पहले मिट्टी 15 cm डालने के बाद केचुआ हम लोग 300 ग्राम्स डाल लेगा। उसका बाद पानी ऊपर में डाल के कच्चा गोबर ऐसे हम लोग उधर उधर ऐसे हेफेजार्डली उधर उधर डाल के उसको ढक के रख देगा। उसका बाद उसको वाटरिंग करना है। वाटरिंग भी ऑप्टिमम वाटरिंग होना है, ऐसा नहीं है उसका अत्यधिक मात्रा भी पानी नहीं डालना चाहिए। अगर केयरिंग आपका प्रॉपर केयरिंग होगा, डेली रूटीन आपका होगा, अब रेगुलर मेंटेनेंस होगा तो 50-60 डेज के अंदर में ऊपर से हम लोग हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन फुल्ली नहीं ऊपर से। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल NDRF ने देश के सरकारी कार्यालयों में आग दुर्घटनाओं से महत्वपूर्ण फाइलों और संपत्ति को नुकसान को देखते हुए इस तरह की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आज ईटानगर में लैंड मैनेजमेंट निदेशालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया। सरकारी कर्मचारियों में आपदा प्रबंधन पर क्षमता विकास कार्यक्रम के दौरान NDRF के जवानों ने उन्हें आवश्यक टिप दिए। इस अवसर पर कार्यालय में लगे हुए अग्निशमन यंत्रों को प्रभावी तरीके से उपयोग करने के बारे में भी कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। पटाखों से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य को नुकसान के मद्देनजर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कम से कम ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे बनाने की नई विधि विकसित की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मिलेगा यानी ऐसे पटाखे जो न सिर्फ आवाज कम करेंगे बल्कि प्रदूषण भी कम करेंगे। ये पटाखे पहले मिल रहे पटाखे की तरह होंगे लेकिन इनके फटने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं इनकी कीमत भी पहले से मिल रहे पटाखों जैसी ही होगी। आवाज करने वाले पटाखे अनार, पेंसिल, चक्री, फुलझड़ियां ऐसे उपयोग में लाए जाने वाले जो है ये सब अब बनकर तैयार भी हो गए हैं और बाजार में ये अब उपलब्ध भी हो गए हैं। ये ग्रीन पटाखे CSIR के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। इन ग्रीन पटाखों से प्रदूषण में 30। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।